ఆశామహల్ నియోజకవర్గంలో జరిగిన మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో ఓటమి పాలైన కార్పొరేటర్స్ అభ్యర్థులు గాని కార్యకర్తలు కానీ అధైర్యపడవలసిన అవసరం లేదని, రాజకీయంలో గెలుపోటములు సహజమని టీఆర్ఎస్ రాష్ట్ర నాయకులు నందకిషోర్ బిలాల్ కార్యకర్తలకు ధైర్యాన్నిచ్చారు. ఈ మేరకు బేగం బజార్లోని తారా హోటల్లో గోశామహల్ నియోజకవర్గం కార్యకర్తల్లో మనోధైర్యాన్ని నింపేందుకు విస్తృత స్థాయి సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా నందకిషోర్ వ్యాస్ బిలాల్ మాట్లాడుతూ, గ్రేటర్ ప్రజలను బీజేపీ పార్టీ వరద సహాయం 20,000 ఇస్తామని అబద్ధపు మాటలు చెప్పి ఓట్లు దండుకున్నారని ఆయన తీవ్రస్థాయిలో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 10 రోజుల తర్వాత గ్రేటర్ మహిళలు 25,000 రూపాయల కోసం బండి సంజయ్, కిషన్ రెడ్డిలను అడిగేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారని ఆయన చెప్పారు. నగరంలో ఎంతో అన్యోన్యంగా కలిసి ఉన్న ప్రజల మధ్య మతం పేరుతో విడగొట్టారని అన్నారు. బీజేపీ నాయకులు అసలు రంగు బయటపడి ప్రజలు త్వరలో వారికి బుద్ధి చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని పేర్కొన్నారు. గోశామహల్ నియోజకవర్గంలో బూత్ స్థాయి నుంచి పార్టీని బలోపేతం చేసే దిశగా ముందుకెళ్తామని వారు తెలిపారు. सबसे पहले तो मैं हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर केसीआर जी को, केटीआर जी को, हमारे सभी कैबिनेट मंत्रियों को और मेरे भाई श्री नंदकिशोर व्यास बिलाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने दूसरी बार मुझे मौका दिया था जनता के लिए काम करने का. और उस जनता को जो 10,947 लोग हैं जिन्होंने मुझ पर भरोसा करके टीआरएस पार्टी से मुझे उम्मीदवार चुना गया था, मुझे वोट दिया था, सबसे पहले उन सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने अपना अमूल्य वोट मुझे दिया था. लेकिन आप सब भली भांति जानते हैं कि आज लोग किस तरह बहकावे में आते हैं, किस तरह दूसरी पार्टी के लोग जनता को हिंदू धर्म के नाम पर भड़का कर, गलत उम्मीदें दिखाकर आज उनको डाइवर्ट कर वोट लेकर आज घर में बैठे हैं. ऐसे लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि आपने जिस बातों में आकर वोट किया है, वोट दिया है अपना, आप उसी के वोट के हकदार हैं. आप आगे चलकर उनसे अपना हक मांगिए. और पिछले जो 15-20 सालों में जो मंगलाट का हाल था, जो मंगलाट की रोडों पर जनता चल भी नहीं सकती थी, हम आज गर्व से कहते हैं कि हम उस जनता के लीडर हैं. क्योंकि पिछले 20 सालों में जो तकलीफें थी मंगलाट में, जो तकलीफ़ों से लोग जूझ रहे थे, आज हम डिमांड से कह सकते हैं कि हाँ, हमने उनके बुरे वक्त पर साथ दिया, हमने उनके तकलीफ़ों में काम आए. आज वही हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट थी, वही हमारे केटीआर अन्ना थे जिनके इंटरेस्ट में हम नॉलेज में लेकर जाके, तकलीफ़ों को लेकर जाके आज धुलपेट में काम किया. धुलपेट जैसे क्षेत्र में हमने डबल बेडरूम बनवाए हैं. शिवलाल नगर नाला जैसा था पिछले 15 सालों से कोई एमएलए आकर काम नहीं किया था. वहाँ पे अपने होम डिवीज़न में भी किसी ने काम नहीं किया था. वहाँ पर हमने रोडों की मरम्मत कराई. आज करोड़ों रुपए लगा के आज हमने मंगलाट जैसे क्षेत्र का नक्शा बदल कर रखा है. उसी तरह हम आगे भी इसी तरह जनता से जुड़कर जनता की तकलीफ़ों में काम आएंगे, जनता के लिए काम करेंगे. क्योंकि सरकार हमारी है, सीएम हमारे हैं, ये सभी लोग जानते हैं. जो लोग यहाँ पे भड़काऊ भाषण देते हैं, जनता से झूठे वादे करते हैं, उनको दिल्ली जाना होगा, दिल्ली से उनके लिए लड़कर काम करवाना होगा. लेकिन हम कल भी जनता के थे, आज भी जनता के हैं और आगे भी जनता के लिए ही रहेंगे. आज जो हमारी अपनी टीम है, टीआरएस पार्टी हमारी जो है, वो हम काफ़ी स्ट्रांग है. आगे हम सबके लिए लड़कर काम करेंगे, उनके सुख दुख में काम आएंगे. ये जनता को सोचना चाहिए कि कल उनके अच्छे बुरे में जो लोग काम आया करते थे, आधी रात को उनके लिए काम किया करते थे, 24 घंटे जब भी जिसको हमारी ज़रूरत पड़ती थी हम आगे आकर काम करते थे. लेकिन फिर भी हम उन लोगों को धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें अपना माना, अपना समझा. और काफ़ी मेजॉरिटी से 10,947 वोट्स हमें दिए गए हैं. एक छोटी सी कम मेजॉरिटी से आगे वाले की जीत हुई है, लेकिन हमारी हार नहीं है. हमारे हिसाब से हम आज भी जीते हुए हैं क्योंकि हमारा काम ही हमारी पहचान है. इसीलिए आप सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं. हम आगे भी हम इसी तरह से जनता से जुड़कर काम करेंगे. हमारे भाई श्री नंदकिशोर व्यास बिलाल जी को एक बार फिर से हम धन्यवाद देते हैं जो पूरी गोशामेल विधानसभा की जनता के लिए हमेशा आगे खड़े रहते हैं. एक बार सबको हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद. जय तेलंगाना. गोशामेल असेंबली सेगमेंट के सभी पार्टी वर्कर्स को मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने भरपूर पार्टी के लिए काम किया. उसी तरह जनता जिन्होंने हमारे पे विश्वास कर टीआरएस पार्टी को वोट दिया, उन सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन. इस चुनाव में जितनी झूठ, जितना चपट और जितना फरेब बीजेपी द्वारा बांटा गया, मैंने मेरी जिंदगी में कोई चुनाव में नहीं देखा. भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं 25,000 रुपये देंगे फ्लड अफेक्टेड पर्सन्स को,
तैयार हो जाओ पैसे देने के लिए। 10 दिन 15 दिन में हम आ रहे हैं आपके पास, जनता आ रही है, महिलाएं आपके बीजेपी ऑफिस के पास आके बैठ रही है, किशन रेड्डी साहब के घर पे, बंडी साजा के घर पे 25-25 हज़ार रुपये लेने को इंतजार कर रहे हैं हम लोग, रोशामेल की जनता। आपने एक एक वोट के लिए धोखा दिया है, इतना झूठ, इतना हिंदू मुस्लिम, अरे क्या डेवलपमेंट किया आपने? मैं राजा सिंह एमएलए से पूछना चाहता हूँ, अरे आपने किया क्या है पिछले 6 सालों में? हर बिल्डिंग से पैसे लिए, हर मकान पर कंप्लेंट दी, 150 बिल्डिंगों को तोड़ने के लिए हाईकोर्ट में रिट डाली, बाद में पैसे लेकर उसको सेटलमेंट किया। तुम्हारे पट्टे गली गली में घूम कर बिल्डिंगों से पैसे लेते हैं और तुम धर्म की बात करते हो, तुम हमें हिंदू मुस्लिम बताते हो? अरे हम हैं असली हिंदू, हम हैं, हमारा चीफ मिनिस्टर एक भगवान है जिन्होंने गरीबों को मुसीबत में 10-10 हज़ार रुपये दिलाए, जो भी तकलीफ में थे उनको मदद की। आपने क्या किया? उनका मजाक उड़ाया, 25 हज़ार रुपये देने का झूठा वादा किया। कहाँ से दोगे आप लोग 25 हज़ार रुपये? खाली आज वोट लेकर बस खुश? आने वाले दिनों में जनता आपके कपड़े फाड़ देंगी बंडी संजय, झूठे वादे ज़्यादा दिन चलने वाले नहीं है। ये KCR की गवर्नमेंट है, जो बोलती है वो करती है। एक बार आप लोग धोखा दे सकते हो, बार बार नहीं। मैं गोशामेल की जनता से कहना चाहता हूँ, जो भी आप लोग भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को वोट डाले उनसे जाकर 25 हज़ार रुपये मांगिए। कहिए आपने वादा किया था 25 हज़ार रुपये हर परिवार को देने का और हमें लेटर बताइए। अरे ये लोग, इनको क्या मतलब है डेवलपमेंट से? बेटम बाजार के गलियाँ, छत्ता कुंडियाँ किस तरह भरी पड़ी है बच्चा बच्चा जानता है। हिंदू मुस्लिम के चुनाव कब तक लड़ोगे तुम लोग? मैं खबरदार करना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को, आप लोग डेवलपमेंट की बात करें, उन्नति की बात करें, कब तक भाग्य लक्ष्मी का मंदिर, कब तक राम मंदिर? अरे पूरी जिंदगी भर तुम लोग हिंदू मुस्लिम करेंगे, क्या बात है भाई? आज तेलंगाना को पूरा वर्ल्ड तारीफ कर रहा है, इंटरनेशनल में हमारी तारीफ हो रही है। आपके केंद्रीय मंत्रियां कितने बार हमारे स्टेट की तारीफ कर चुके हैं, हमारे खेड़ी रामा रोड की तारीफ कर चुके हैं, और आप लोग को तमीज भी नहीं है बात करने की? अरे तुरे बदतमीज से बात करते हो। मैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडरों को समझाता हूँ, पहले तुम तमीज सीख कर आओ, बात करने की मर्यादा सीख कर आओ, झूठ बोलना बंद करो, फिर राजनीति में आओ। और रही बात चुनाव हारने की जीतने की, ये तो कॉमन बात है। अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हार चुके हैं, राहुल गांधी भी चुनाव हार चुके हैं, एन टी रामाराव भी हार चुके हैं, तो ये तो पार्षद का चुनाव है। पर हम जहाँ पर थे आज भी वहीं पर है, जनता से जुड़े हुए थे और जनता में हमेशा रहेंगे, जनता में काम करेंगे, और इस झूठे वादे जो बीजेपी ने दिए वो जनता के सामने लाएंगे, और गवर्नमेंट से जो भी बन पड़ेगा गोशामेल असेंबली में डेवलपमेंट करा के रहेंगे। ये हमारा वादा है, ये हमारी शपथ है। आज जय तेलंगाना, जय केटीआर।